हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ व्यस्त होंगे। तो देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और भाभी यहाँ पे बिलो रही हैं दही और हाथ से बिलो रही हैं। और अब हो गई है शाम, तो शाम में आज मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है यहाँ चूल्हे पे ये बेसन भूनने का काम, क्योंकि कल मेरी छोटी जो सिस्टर है वो ससुराल जाएगी, तो उसके लिए ये जो बहाना बनाते हैं, जो मीठा देते हैं लड़की के साथ ससुराल जाते टाइम, ये उसकी तैयारी हो रही है। तो मम्मी यहाँ बैठ के खुले में चूल्हे पे भून लेंगी, क्योंकि गैस पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए सोचा कि यहाँ धीमी धीमी आंच पे बैठ के आराम से भून जाएगा, क्योंकि बहुत सारा बेसन भुनेगा, तो इसलिए यहाँ चूल्हे पर भून रहे हैं। तो शाम का टाइम है, खुले में अच्छा लगता है। यहाँ पर मम्मी भून रही है बेसन। तो देखिए, आज बच्चों ने बना लिया है प्लान बाहर घूमने का, क्योंकि मौसम थोड़ा कल बारिश हुई थी तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, इतनी कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है। और सामने देखिए, ये है हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर। वैसे दो मंदिर हैं, ये गांव के बीच में है। तो आज चलते हैं हम अपने खेत पे और नदी पे, जो हमारे गाँव में अभी नया ब्रिज बना है वो वहाँ चलते हैं, क्योंकि आजकल वो जब
तो दोस्तों देख सकते हैं आप सब बच्चे कितना मस्त हो रहे हैं, उन्हें इतना खुला मतलब मिला है चारों तरफ, तो मतलब डुगू किसी का हाथ ही नहीं पकड़ रहा है, वो खुद ही दौड़ लगाने में व्यस्त है। और आज उसको ना गोदी चाहिए ना ही किसी का हाथ चाहिए, वो खुद ही दौड़ लगा रहा है, इधर उधर देख रहा है चीज़ों को। जो बारिश की वजह से सड़क के साइड में गड्ढे हो जाते हैं, जो मिट्टी कटाव कर लेती है, वो उनमें देख रहा है ये क्या हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे गाँव की नदी, इस हिंडन नदी है ये। और देखिए पानी का बहाव ठीक आ रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में बहाव हो ही जाता है तेज़। और ये है हमारे गांव के पास से निकला ये हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ रफ्तार से गाड़ियां जा रही हैं, ट्रक जा रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो रहा है, बिल्कुल एकदम शाम का मौसम इतना मस्त हो रखा है कि गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। और आज हमने इसका फ़ायदा उठाया है गांव में घूमने का। तो यहाँ है खेती बाड़ी का काम है ये सारा, ये देखिए कितनी मस्ती चल रही है इन दोनों की। और फ्रेंड्स, जो लोग ये समझते हैं कि गांव के लोग सिर्फ गवार होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, वो खुद ही गवार होते हैं, जिनकी सोच ये होती है ना कि गांव के लोगों को क्या दिखा रहे हैं, गांव के खेत हैं, ये है वो है, तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हमारे लिए ये सबसे बेस्ट है। जो वर्ल्ड की बेस्ट व्यू है ये मेरे गांव की है मेरे लिए, और मेरा गांव वर्ल्ड का बेस्ट गांव है। तो कोई गवार समझे चाहे कुछ भी, लेकिन हमें तो भाई यही पसंद है। आइए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको अपना खेत। इस खेत से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, हर सीज़न में हम यहाँ खूब मतलब जो सीजनल काम होते हैं खेत के, वो खूब करवाए हैं मम्मी पापा के साथ, लेकिन अब खुद नहीं करते हैं मतलब खेत का काम, क्योंकि अब बुआई पे दे देते हैं भैया, क्योंकि वो बिजी रहते हैं काफ़ी। तो ये देखिए, इस खेत से भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, जो मतलब कभी भी आओ तो सारा मतलब सीन सारे चलते रहते हैं कि यहाँ ऐसे किया था, तब ऐसे करते थे, तब ऐसे करते थे। तो ये बहुत सारी यादें होती हैं जो मतलब जहन में हमेशा रहती हैं और हमेशा ही रहेंगी। और आ गए, अब देखिए फ्रेंड्स, आ गए हैं हम वापस घर पे, शाम हो गई है, और वापस आने के बाद अब बनवाएंगे हम मम्मी के साथ लड्डू, क्योंकि मम्मी ने बेसन भून लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।